भाई हाल देख रहे हो, ट्रक घुस गया पूरा पूरा नीचे। भैया मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है अभी, बहुत ही गंदी। अभी हो गई बारिश शुरू, तो मैं देख रही हूँ बूंदे गिरते हुए। बताओ फावड़ा लेकर लड़ाई हो रही है, एक्सीडेंट हो गया? हेलो बेटे, वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। यू आर वाचिंग वंडरलस 07 एंड आई एम आयुष शर्मा। तो भाई मैं तुम्हें आज का सीन बताता हूँ। तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स, एक काम करता हूँ, मैं कैमरे में नहीं, तुम्हें फेस टू फेस बताता हूँ। बस मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी ये नहीं बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ। अभी पंकज को मैं पकड़ने जा रहा हूँ और वो है विकास नगर में, मतलब लिटरली वो है विकास नगर, और मैं अभी निकल रहा हूँ उसे पकड़ने के लिए कि भाई मेरे लिए मेरे को उसकी बाइक चाहिए। देखो बहन का, देखते हैं कि देर में से कैच कर पाएंगे। वो विकास नगर में अभी एक्चुअली है और मैं अभी देहरादून से बाहर भी नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से आज बहुत मैं पंकज को मिलने के बाद मिलता हूँ, ठीक है ना? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ओके। प्रॉब्लम ये हुई है कि यार मैं ना लिटरली अंकित और दीपक के साथ जा रहा था और मेरे चक्कर में उनको वेट करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। मैंने उन्हें कह दिया था यार कि तुम निकल जाओ, मैं बाइक लेके पकड़ लूँगा, तो मैं कहीं बीच में कैच कर लूँगा, पर क्या करें। एक बार फिर बोलता हूँ कि भाई तुम लोग निकल जाओ, मैं तुम्हें कहीं बीच में कैच कर लूँगा। बताओ फावड़ा लेकर लड़ाई हो रही है, एक्सीडेंट हो गया? पकड़ता कहाँ पहुँच गया भाई? भी पंकज को भाई बहुत दूर जाना, भी बहुत दूर, लिटरली वो भाई वहाँ है, पता नहीं कहाँ है भाई। पूरा सीन ही अलग हो रहा था भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ उल्टा बह कर चल छुपड़े जा रहा हूँ, ये तो थकान हो जाएगी यार बहुत गंदी वाली। तो 112 113 में क्रूज कर रहा हूँ मैं कर ऐसी जगहों में, इससे ऊपर जाऊंगा भी नहीं भाई, यही मेरी स्पीड है, लिमिट है मेरी, इससे ऊपर ना अपने पे गुजरा नहीं है भाई। और मीनवाइल गजब तू भी वाज आदमी हो क्या ये मावरे बास फिल्म में करेगी मजाक? ब्रेकिंग देख रहे हो क्या एंकर? मैंने ऐसा कोई पैनिक ब्रेकिंग नहीं करी, आराम से ब्रेक मारे, ये होती ब्रेकिंग भाई, मजा आ गया भाई। बाइक होता मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मैं यहाँ पे हाईवे पहुँचा हूँ, मैं लिटरली पूरा पोटा पहुँच गया भाई, पूरा पोटा, मतलब प्योर प्रॉपर पोटा पहुँच चुका हूँ। तो भाई मैं अगर पंकज को पकड़ भी लूँगा ना भाई, मैं पोटा के दर्शन करके आ जाऊँगा गुरुद्वारे के, पहले उसे पकड़ते हैं। तो मेरे को एक आधे पैर वाला बंदा दिखा था अभी थोड़ी देर पहले, गया था उसका पीछा कर रहा हूँ, कुत्ते की तरह लगा रहा है भाई वो, अगर वो पंकज है तो क्योंकि वो कुत्ते की तरह निकला भाई, अभी देखा था गायब हो गया फिर। वैसे मैं आप बताता हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पानी की आवाज़ नहीं आएगी भाई, बिल्कुल शांत जाता है पानी, बिल्कुल शांत, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं है भाई, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं इनमें। जहाँ जगह आती है ना पानी की, बिल्कुल नहीं आती नदी की, इसमें ऑफिशियली वी आर एट हिमाचल प्रदेश। अब मेरा था क्या हो गया, देहरादून तो हिमाचल, हिमाचल तो दिल्ली वाला हिस्सा हो रखा है। When you promised me that things would be okay, I thought you cared, but you don't. Yeah, it doesn't really matter to you. It never really mattered to you. I thought you would try, but
पिछले 15-20 मिनट से यहीं खड़ा हूँ भाई। वहाँ से अंकित भाई का कॉल आ रहा, कहाँ है मैं फिर पहुँच गया था भाई। मैं 15-20 मिनट से यहीं खड़ा हूँ, लिटरली 15-20 मिनट से मैं यहीं खड़ा हूँ जाम के अंदर। जल्दी पहुँचते हैं, थोड़ी मुझे जाम के निकल बहुत मुश्किल से। 10-15 मिनट का जाम भाई, कम बताएंगे 10-15 मिनट का जाम। जैसे हवा रुकती है यार, पर ना मेरे माइक का लिटरली मैं इतना तेज आया हूँ ना, ऊपर से हैंडबैग इतनी छोटी है ना मेरे पे, इतनी छोटी लिटरली बहुत छोटी पड़ती है मेरे पे, बहुत छोटी बाइक है मेरे लिए। अब यार हवा की आवाज़ आई है बहुत ज़्यादा, आज का हिसाब बहुत ख़राब हो गया भाई। 8 बजे सुबह निकलना था, इट्स ऑलमोस्ट टाइम नहीं आता, कैसे लिखा हुआ अराउंड 11-12 आई गेस, आई डोंट नो, मेरे को एक्यूरेटली टाइम नहीं पता, पर काफ़ी लेट हो चुका है भाई, बहुत लेट। और लिटरली मैं बहुत लंबा ट्रैवल किया, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर्स का मैंने ट्रैवल कर लिया ऑलरेडी, और अब अगर और ट्रैवल करना है ऑलमोस्ट मुझे दिल्ली जाना है भाई, मतलब आयरन पाइप पे। इट्स नॉट अ जोक भाई, इट्स नॉट अ जोक, बहुत बुरा हिसाब हो गया आज का। अभी अंकित भाई को भी इतना वेट करा देना कि भयंकर शरम आ रही है, भयंकर बॉडी गंदी। अब समझ आया आयरन पाइप वालों कितनी अच्छी, इसे कट क्यों मार लेते हैं भाई, बहुत छोटी आई है मेरे पे, तो बहुत ही छोटी आई है ये, मैं तो इस पर अपराइट होकर बैठ सकता हूँ, इतनी छोटी है मेरे पे। हार्ड लेके भी जो चल रहे हैं आयरन पाइप पे, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया है, पर से बहुत ज़्यादा कम्यूटेड है भाई, बहुत ज़्यादा कम्यूटेड, इट्स वे टू एग्रेसिव। पर इसकी चेसी स्टेबल है तो इट्स वन ऑफ योर गुड ट्रैक मशीन। तो मैं आप आइडिया दे देता हूँ, मैं दिल्ली क्योंकि तो वहाँ पे है यहाँ का ट्रैक रेट, और अपन लोग वहाँ जा रहे हैं, देखते कैसा रहता है हिसाब। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 8 बजे निकलना था, मतलब ऑब्वियस इतने बजे हम दिल्ली पहुँच चुके होते, अभी इस वक्त हम दिल्ली में ही होते, और अब क्या करें भाई, फ्यूलिंग भी करानी है, मैं घंटा फ्यूल नहीं है, मैं पंकज तो कंजूस है साला, पैरों में ला के दिया, ठीक है पंकज भी ठीक है, उसे राइड करनी थी, मैं पता क्यों जाता है यार, निकल गया वो फट से। मैंने उसे कॉल किया भाई बाइक दे दे, निकलना हमने, वो कह रहा भाई मैं तो विकास नगर पहुँच गया आ जाऊँ, ठीक है। बड़ी कम पावर फील हो रही है भाई इसमें, अंडर पावर तो है यार ऑब्वियसली आर आर से बहुत, पर ठीक है। वी आर क्लॉकिंग 108 km/h एट द फोर्ड गियर भाई, सही है यार इसका पुल, ठीक है मतलब गियर वाइज बहुत लंबा खींच रही है यार, तभी इसका टॉप एंड अच्छा है भाई, हर गियर में लंबा खींचती है, ऑलमोस्ट एक 2 cc बाइक जितना खींचती है ना उतना ही खींच रही है हर गियर में। मेरे की सुना जाम ही जाम लिखाएगा भाई साहब, इतने सुन लिया था मैंने ताने, अभी संकेत भाई से, और ये देखो पंकज की घर की चाबी भी यहीं पड़ी हुई, तो मिल गए भाई संकेत भाई, चलते हैं। बड़ा बुरा लग रहा है भयंकर, सुननी पड़ गई भयंकर, क्या करें अब सुनना पड़ता है, अब क्या करें, मैं भी क्या बोलूँ, पर ठीक है जो भी है, लेट्स रीच। अब मूड ख़राब नहीं करते, इट्स अ लॉन्ग जर्नी तो लेट्स एंजॉय द राइड। 12:25 हो गए, लेट्स सी कितने बजे पहुँचेंगे। आएगा कि लाइट नहीं है क्या यार, बहुत कम लाइट है यार, अनपैक यार बहुत कम है यार, इसमें रात में मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाऊँगा। अबे पंकज तू मेरे को पहले बताइए तो ट्रैवल कैसे करता है भाई, इसमें MT-15 की तो बहुत तेज लाइट है यार, इससे देखो कितना डिफरेंस है दोनों की लाइटों में, भाई कितनी आवाज़ गूंज रही है भाई इधर भाई। इट्स विल बी माई फर्स्ट टाइम कि मैं R15 लिटरली अराउंड 200+ किलोमीटर लेके जाऊँगा, क्योंकि आना जाना भाई, हाल देख रहे हो खुश हो पूरा पूरा नीचे। मच्छर ही मच्छर मरे मुझे तगड़े होने के, अभी आप भाई आगे चल रहे हैं बारिश के मौसम में, यो भाई ने अभी पूरी नागिन मना रखी थी बाइक पूरी नागिन, तो अभी का मैं तो मेरे को मुझे नहीं पता, मैं इस रूट से जा रहा हूँ आज पहली बार, मैं तो यूजली देवबंद भाई रास्ते जाता हूँ हमेशा डेली, भाई पहली बार रास्ते जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि वो तीसरा बंदा जो हमारे साथ जाएगा वो यहीं से जाएगा दीपक कि कहीं और से, कोई नहीं चलते हैं आराम से 100-110 पे क्रूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आई नो रोड कैसी रहेगी भाई, क्योंकि जीवन वाला हाईवे तो आई नो कि वहाँ जाके आगे जाके बंद एकदम प्यारा रहता है,
देखते हैं कहाँ पे जुड़ता है, कैसे जुड़ता है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी इट्स ऑलमोस्ट टाइम, कहाँ देखते हैं। वी हैव कवर 37 किलोमीटर, इट्स ऑलमोस्ट, अभी कहाँ है टाइम, 1:05 इन दी आफ्टरनून। एक घंटे मतलब मैंने मीटर तो यहाँ पे आके जीरो किया, तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी किलोमीटर कवर कर लिया, अराउंड 50 समथिंग, क्योंकि फुल्ली रोड है। 100 को अंडर नॉर्मल क्रूज कर रहे हैं, अगर एक तो इतनी अंदर पावर फील हो रही ना, इतनी अंदर पावर, बट इतनी अनकम्फर्टेबल है भाई यार, तो काफ़ी कम्फर्टेबल है इससे यार। तो एक्चुअली मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूँ, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हुए, इसे ना कोई एग्जॉस्ट है, ना कोई परफॉर्मेंस अपग्रेड है, ना कोई टायर में अपग्रेड है, टायर भी स्टॉक है कंपनी वाले। देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि ट्रैक पे जाने से पहले टायर गर्म करेंगे वो। अंकित भाई के टायर तो बढ़िया लगे हैं, पीछे रोड पायलट 5 लगे, आगे वाले का मुझे नहीं पता, पीछे रोड पायलट 5 है। कि आज का दिन ना मतलब जो मैंने सोचा था उसके बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब वो तो लेट हो गए, वो तो छोड़ो, पर जो मौसम है इट्स क्वाइट प्लेजेंट, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मतलब यहाँ लिटरली इतनी गर्म लू चलती है ना, और आज मौसम बना हुआ है ना वैसे बारिश वाला, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है चलाने में ये बाइक। क्योंकि अगर ऐसी बारिश सारी होती ना बैंक का, तो धूप बन जाता, रूम ही पड़ जाती। और ये कि इसमें अपन लोग आराम से क्रूज भी कर पा रहे हैं, कोई इशू भी नहीं हो रहा है, और भाई ठंडी हवा है तो भाई कोई थकान भी नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत प्लेजेंट। आज किस्मत है बस बारिश ना हो, भगवान जी इतनी कृपा बनाए रखना, बाकी तो सब बढ़िया जा रहा है। तो यार एक चीज़ की कमी ना बहुत फल रही है, अगर पूरा स्क्वाड साथ में होता ना, पूरा का पूरा मतलब देवांश भाई, सुमित भाई सब होते ना अगर साथ में, तो अलग ही मज़ा आता था, अलग ही नेक्स्ट लेवल फील आता था, नेक्स्ट लेवल मज़ा आता था। अभी तक भयंकर एक चीज़ तुमने देखी, नई चीज़, अंकित भाई ने अभी तक कहीं भी बिली नहीं उठाई भाई, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि भयंकर एकदम से रुकने के बाद बिली ना उठाई हो। बाइक में सबसे बढ़िया बात है, वी डोंट हैव टू पे द टोल, टोल तो हमारे लिए मुक्त है। तो ये हमारी राइड का पहला टोल आ गया है, यहाँ बूंदा बांदी हुई है भाई, देख रहे हो जब पूरी गीली हो रही है रोड, या फिर हो गई चली गई है, क्या तो अभी हुएगी, हो रही है, ऐसे हम पे कुछ नहीं कर रही है, मतलब हल्के हल्के ड्रिजलिंग है भैया। मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है अभी, बहुत ही गंदी, अभी हो गई बारिश शुरू, तो मैं दिख रही बूंदे गिरते हुए, तो अभी क्या सीन है, अपन लोग अब अपना कैमरा रख देंगे अंदर। और मैंने क्या गलती करी कि मैं अपने साथ ना लाया नहीं रेनकोट, अब वो रेनकोट ना लाने के चक्कर में ना मैं भीगते हुए जा रहा हूँ। बाकी इनकी बाइक पे तो है रेनकोट, मेरे को लगा धूप नहीं होगी बारिश, मैंने भी चेक नहीं किया वेदर फोरकास्ट, अब ये गलती हो गई मेरे से, अब देखते हैं अब क्या बनता है साहब। कहीं मिलती है मेरे को अगर रेनकोट तो मैं ले लूँगा भाई डेफिनेटली, ये वाले रेनकोट जो है अंकित भाई ने पहन रखे, अलग ही से चौका सा मार रहे हैं बिल्कुल ही बढ़िया करके, चुन्नी की तरह चढ़ 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 चौके पे चौका, चौके पे चौका मार रहे हैं। तो फिर मैं चलो कैमरा रखता हूँ अंदर, फिर मिलता हूँ मैं कहीं रुक के, जब खाने के रुकेंगे तब तक स्टे ट्यून्ड, चलो टाटा भाई। तो अभी फिलहाल अपन लोग यहाँ पहुँचे थे, दिल्ली रोड पे जॉइन कर लिया, बारिश रुकने का नाम ही ले रही, मैं गीला हो रहा हूँ, स्कूल के बच्चे फायर हो रहे हैं एकदम, बगल से खून खून निकल रहे हैं, बैंक का स्प्लेंडर फूलते हुए, यहाँ के बच्चे बड़े ही डेंजर है भाई। तो भाई बारिश बहुत हो रही है, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि बैंक ब्लॉक नहीं कर पा रहे बारिश के चक्कर में, और अभी कोई भूख भी लग रही है मुझे यार, कुछ खाया भी नहीं मैंने भयंकर से मुझे। बाकी आगे मौसम साफ लग रहा है, मुझे होप सो कि साफ हो तो हम अच्छी खासी स्पीड में क्रूज कर पाएंगे, अभी क्रूज नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी भाग रहे हैं यार अंकित भाई, तो अभी क्रूज नहीं कर पा रहे अपन लोग, अच्छी खासी स्पीड 90-100 में नहीं कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 70-80 में चल रहे हैं, पर अगर बारिश रुक गई बाबा तो फुल 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 थ्रॉटल चलेगा रास्ते पर। वैसे बारिश रुक जाना तो अपन लोग अच्छी खासी स्पीड में क्रूज कर पाएंगे, अभी कर रहे हैं हल्का हल्का कर रहे हैं, अराउंड 80-85-90 में क्रूज कर रहे हैं, तो बारिश हल्के हल्के कम हो रही है, फील हो रहा है भाई मेरे को, हाथ में कम बूंदे गिर रही है, तो स्पीड बढ़ती जा रही है। बाकी तुम्हें भी दिख रहा होगा कि खुला खुला लग रहा है, आई डोंट नो कि क्या है, चूँकि मौसम की माया है भाई, कुछ भी कर सकती है, इसलिए कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं है, पर ये है कि अपन लोग अच्छी स्पीड में भी चल सकते हैं। तो अभी हमने 70.4 किलोमीटर कवर किया, और जो कि नाक के बराबर कुछ भी नहीं है, एकदम नथिंग ब्रो नथिंग। एक्सयूवी वो क्या है, स्कॉर्पियो पर टायर कितने बड़े लगा रखे भाई, बाप रे बाप, कार से बड़े टायर। तो भाई काफ़ी बारिश हद तक कम हो गई है, तो अभी अपन अच्छा खासी क्रूज स्पीड में क्रूज कर पा रहे हैं 90 प्लस में। फ्रेम वाली बाइक का बहुत फायदा है, जैसे इस वक्त अंकित भाई और मैं हाईवे पे चल रहे हैं, आई हैव मोर एडवांटेज भाई, लिटरली वो कम्फर्ट में ज़्यादा है, पर मेरे पास हाईवे पे एडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि मैं हवा काट पा रहा हूँ, मेरे एरोडायनेमिक्स अच्छे हैं, और उसके बाद गाड़ी भी मस्त चल रही है, मतलब क्रूजिंग स्पीड भी बढ़िया हो रही है एरोडायनेमिक्स की वजह से। तो देखो फेयरिंग हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक फायदा कर लेती है, काफ़ी हद तक, ऐसा कहीं पे लग नहीं रहा है कि एक भी डंडा गिरा हो पेट्रोल का 5 माइलेज दे रही है कि यार
क्या कर रही है? आई हैव नो आइडिया भाई, बहुत दे रही है भाई, जो भी दे रही है। और भाई मैं लिटरली सोच रहा था कि बैंकर हाईवे जाऊंगा, टॉप एंड वॉप एंड खींचूंगा R15 का, यहाँ तो हिसाब ही उलट पुलट हो गया भाई, यहाँ टॉप एंड गया, अपना टॉप एंड नहीं निकल रहा। तो अभी थोड़ा खींचा खींची कर लेते जब तक सुखी रोड है, उसके बाद मिलते हैं तुम्हें, क्योंकि भाई अभी इधर ही हम टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब इतना टाइम हमने वेस्ट किया ना उतना हम कमा सकते हैं वापस इधर इस रोड में। तो थोड़ा बहुत क्रूजिंग कर लेते हैं अच्छी स्पीड में, फिर मिलते हैं अराउंड 110-120। तो